नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धुआंधार अपडेट्स इस चैनल को। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के जो है इन्होंने 51 पद जो है भरे जाने थे, तो उसकी जो है इन्होंने रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट जो हुआ है तो उसका जो है इन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के जो है रोल नंबर बता दिए हैं। तो अब जो है जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स किए गए हैं उनकी जो इवेल्यूशन होगी 15 मार्क्स की, तो उनके हम रोल नंबर बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई अपडेट लेके आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है मैंने PDF डाउनलोड कर ली है www.hppssb.hp.gov.in वेबसाइट में। तो इस पर हम बताते हैं आपको जो कि इन्होंने ये जो रिज़ल्ट निकाला है ये आज ही निकाला है 3 जनवरी 2020 को, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टार सेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से जो है इन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला गया है। तो इसमें इन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टुडे डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 51 पोस्ट्स, जो कि इसमें जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी, जनरल UR की 17 पोस्टें थी, जनरल BPL की 6 थी, जनरल WFF की 1 थी, OBC UR की 8 थी, OBC BPL की 3 थी, SC UR की 12 थी, SC BPL की 1 थी, SC WFF की 1 थी और ST UR की 1 पोस्ट थी, एंड ST जो BPL थे उसकी 1 पोस्ट थी। टोटल जो है 51 पोस्टें जो है इन्होंने बता रखी हैं। और ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो है ये पोस्ट थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, और पोस्ट कोड 715 जो इसका पोस्ट कोड था। और ये जो 12 अक्टूबर 2019 एज पर द अवार्ड लिस्ट एंड रेशियो अप्रूव्ड 1:3, 1:4 बाय द ऑनरेबल कमीशन, द रिक्वेस्टन टू फिल अप दीज पोस्ट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द मैनेजर डायरेक्टर HPPTCL शिमला एंड एडवर्टाइजमेंट विद एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, जो कि 19/12/2018 को जो है ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। तो इसमें जो है एप्लीकेशंस जो रिसीव्ड हुई थी वो 7,198 एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी, इसमें से 5,815 एप्लीकेशन जो थी वो प्रोविजनली एडमिटेड हुई थी। और इसमें जो है ये जो रिटर्न एग्ज़ाम जो हुआ था ये 12 अक्टूबर 2019 को जो है ये रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था JEE इलेक्ट्रिकल का, पोस्ट कोड 715 का। और इसमें जो कैंडिडेट अपियर हुए थे वो 3,072 कैंडिडेट्स जो है अपियर हुए थे, और 2,743 कैंडिडेट्स जो हैं वो एबसेंट हुए थे। तो इसमें जो है 3,072 कैंडिडेट्स ने जो अपियर हुए थे उसमें से 160 कैंडिडेट्स जो हैं प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, जो कि इवेल्यूशन के लिए जो कि RNP रूल के मुताबिक जो है 15 मार्क्स की जो इवेल्यूशन प्रोसेस होगी। तो इसमें हम आपको बताएंगे रोल नंबर। तो मैं PDF को स्क्रॉल करता जाऊंगा तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें अपना जो वीडियो को पॉज करके। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इन्होंने रोल नंबर बता रखे हैं सभी, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपको जो PDF का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये टोटल कैंडिडेट्स 160 कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं। तो इन्होंने लिख रखा है कि जो इवेल्यूशन होगी वो आपकी होगी 20 और 21 जनवरी को 9:30 बजे सुबह जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में होगी 15 मार्क्स की इवेल्यूशन। तो इसमें इन्होंने जो है बता रखा है कि दे आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है रिलेटेड डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द RNP रूल एंड एडवर्टाइजमेंट, 15 मार्क्स ऑफ द इवेल्यूशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, 1 ID प्रूफ एंड कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट अपीयर फॉर इवेल्यूशन प्रोसेस ऑन द डे फिक्स्ड फॉर इवेल्यूशन, ही शी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन देयर आफ्टर। तो ये इन्होंने बता रखा है कि द रोल नंबर वाइज डिटेल इज गिवन अबव एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट में जो है रोल नंबर वाइज जो है डिटेल डाल रखी है। तो इस वेबसाइट में www.hpssb.hp.gov.in वेबसाइट में जाकर जो है आपको मिल जाएगी। और ये नोट लिखा है, द एप्लीकेंट हु आर इन पोजेशन ऑफ फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद 55% जो है मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड इन RNP रूल एंड नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट,
द रेस्ट ऑफ प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैविंग अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द RATP रूल एंड रिटेंडेंट जो है नीड नॉट टू अपियर इन द 15 मार्क्स इवेल्यूशन। इन्होंने नोट जो है बता रखा है क्योंकि RNP रूल के तहत ही जो है ये पोस्टें जो है भरी जाएंगी। तो ये थी आज की अपडेट जो कि JEE इलेक्ट्रिकल की जो पोस्टें इन्होंने 51 पोस्टें जो है इन्होंने निकाली थी JEE इलेक्ट्रिकल की। तो इसमें जो इन्होंने रिजल्ट जो है आज डिक्लेयर कर दिया है 3 जनवरी 2020 को, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसका पोस्ट कोड जो है 115 है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी जो है इसके अपडेट के बारे में पता लग सके, जो कि रिज़ल्ट इन्होंने जो डिक्लेयर कर दिया है इलेक्ट्रिकल का, तो कब जो है इनकी वैल्यूएशन होगी तो वो उनको पता लग सके। तो जल्द से जल्द शेयर करें इसको। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।